चाह पी रहे हो तुसी? हाँ जी जनाब, चाय पी रहे हैं बगैर चीनी तो माशाल्लाह। ब्रेड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? मैं ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। पाई चीनी 2 चम्मच, इतनी ठीक है। हाँ जी, हुण दोबारा मैनू चाह नहीं बनानी पैनी क्योंकि मैं तुहानू इक कम कहना है। किन्ने दिनां दा अज मैं मसर बनाने सन ते मैनूं काफी देर लगी मसर बनांदिआं, इस लई प्लीज 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 अफां अज चलिए ना थोड़ा रियाल, क्योंकि होर तो मार्केट कोई ओपन नहीं है, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। चाह मैं भी पी ला। चलो अच्छा, ऐ ते हो गए ना तेरी मेरी जिहड़ी सी चाह। नहीं नहीं यही नॉर्मल हां जिहड़ी राह दे विच जिहड़ी पीनी ना ओह है। नहीं यही चाह लास्ट। अच्छा जी नाम बस जाना है ते आना है जे रात्रि दा। नहीं नहीं कोई होर काम नहीं, मेरा खैर एक ही काम है, प्रेशर कुकर लेके आना है, अल्लाह करे मिल जाए बस। मैं रेडी शेडी हो के नीचे आ गई हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे की सूरत हाल। इनको मैं कह के गई थी कि जल्दी से चाय पी रहे चलें, और ये देखिए कैसे आराम से चाय पी रहे हैं, और मुझे लगता है आधे पचते सोए हुए थे। देखें हाल इनका। हेलो नाजरी, सो गए हो? जाना है? तो वाह, ये जो अभी मैं आपको दिखा रही थी ना सोने की, ये इनको इनके अब्बू से आदत पड़ी है सुस्ती की। इनको मुझे समझ नहीं आती है, जितना मर्जी शोर हो ना इनको, आप कहें ना कि बच्चे बच्चों को नहीं कहते सो जा, वो सोते नहीं, इनको कहें ना सो जाए सो जाएंगे, जहां मर्जी इनको कांटों पे भी नींद आ जाती है। खासतौर पर जब मैंने कहीं काम किया ना फिर तो पक्की नींद आनी है। तो जैसे मेरे वो सुसर थे ना, वो भी ऐसे थे, चाय का कप सराहने रख के और खुद वो सो जाते थे, और जब चाय ठंडी हो जाती थी फिर उठते थे, फिर कहते थे हो चाय तो ठंडी होगी, फिर गर्म कर दो, गर्म करके तो फिर पीते थे। सेम इनकी आदत अपने अब्बू पे, ऐसे ही काम होता है और इनको नींद आनी शुरू हो जाती है। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਸਨੇ ਡੀਲ ਕੀ ਥੀ ਤੋ ਉਹ ਹਮ ਵਾਪਸੀ ਪੇ ਆਏਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ये ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे मैं अकेली मार्केट जाती हूँ, मैं ना मुझे आदत है कुछ भी घर की चीज़ लेनी है, दोनों को आदत है, ये नहीं कि मुझे ही आदत है, कुछ भी लेना है घर का कुछ खास, तो मैं मुझे ये होता है कि साथ ये हूँ। बंदा होता है ना पाकिस्तान में तो होता है कि चलो अम्मी के साथ चले गए हैं, बहन के साथ चले गए, बंदा मशवरा करके चीज़ ले लेता है, तो इधर ये होता है कि दारी बात है हम इधर अकेले हैं, तो इनका तो होता है कि चलो अगर मैं जा रही हूँ तो ये मेरे साथ जाएं, इन्होंने कुछ लेना तो मैं साथ होती हूँ। ये भी कभी अकेले कुछ नहीं लेके आते, ये नहीं कि मैं ही इनको साथ लेके जाती हूँ, तो ये हमारा थोड़ा मसला नहीं कहेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आदत है हमारी। तो मैं स्टार्ट में आई हूँ, स्टार्ट का हाल देखें सुनसान कसम से, एवें शेवें लग रहा है जैसे ना कोई रौनक शौनक नहीं है, कब ये खुलेगा इतना, या जैसे आजकल मौसम खुला है ना तो ये तो इतना फुल होता है माशाल्लाह, इतने लोग होते हैं, तो आजकल ये सुनसान हर जगह, इसलिए तो आने को दिल भी नहीं करता। तो मैं ये बाहर खड़ी थी, मैंने कहा कि हाल देखे देखे सुनसान में, उनके चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ कि ये भी एक टाइम आना है कि जहाँ चलने की वो होता है ना कि एक दूसरे को रास्ता देने की होता है कि साइड पे हो जाए, वहाँ बिल्कुल भी खाली, बिल्कुल भी लोग नहीं है, बिल्कुल भी खाली नहीं, बिल्कुल लोग नहीं है, तो अल्लाह करे खैर खैरियत से ये सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल लाइफ नॉर्मल ज़िंदगी रवा दवा हो जाए।
तो मैं ये जो सिटी है ना जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये ना आल्ट जैसे ओल्ड सिटी जिसे कहते हैं वो है। इतनी प्यारी प्यारी इसकी चीज़ें हैं, कभी मैं आऊँगी इधर अकेले सिर्फ चीज़ों की बनाऊँगी। जैसे ये खिशी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मुझे लगता है ये गूगल की, अगर आप गूगल में जोखे करें ना, तो ये 1100 साल पुराना है। इतना अच्छा और इतना नीट साफ़ सुथरा रखा है। सारी बात उनकी पुरानी चीज़ें हैं तो वो केयर करते हैं, उनको साफ़ सुथरा रखते हैं, लोग आते हैं देखते हैं। तो हमारे वो कहते हैं ना, जिसकी जो हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं होती, तो लोग इतनी इतनी दूर से ये लोग चीज़ें देखने आते हैं। तो कभी आऊँगी जब खुलेगा, ओपन होगा सारा कुछ, तो विज़िट करवाऊँगी आपको भी। तो ये जो मार्केट है ना, ये ओपन है, तो इधर भी सारा कुछ ही खुला है। उस दिन मैं एक्शन मार्केट में गई हूँ, तो उन लोगों ने पता नहीं क्यों ऐसे, आपको मैंने बताया दिखाया भी था, बताया भी था कि वो लपेट की चीज़ें रखी थी। तो ये इसके 4 स्टॉक हैं और सारे खुले हुए हैं। पता नहीं क्या, हर किसी का अपने एक फार्मूला है। चले हमें क्या, मुझे यह था कि हम आए हैं तो चलो देखते हैं, जो चीज़ें लेनी है वो भी मैं ले लूं। शैम्पू वगैरह ख़त्म थे, और साथ मुझे कहते हैं कि जब एक मार्केट से निकलती है दूसरे में चले जाती है, और मैं आती हूँ ना, मैं ऐसे ऐसे पीछे होती हूँ, और ये चीज़ें जो उठाते हैं ना, सिर्फ यही उठाते हैं। ये नहीं कि मैं मूवी बना रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नॉर्मल ऐसे ही है। चीज़ें सबसे ज़्यादा इन्होंने ही लेनी होती है, नाम मेरा होता है कि मैं आई हूँ। नॉर्मल जिस मार्केट में मैंने जाना था ना, उसके वो पीछे रह गई है, और हम मेन सिटी में आ गए हैं। तो मुझे ये था इधर से एक दो चीज़ें मैंने लेनी थी, खास मैं तो सब्जी वगैरह देखने आई थी, तो वो लेनी थी। तो उधर उस अब मार्केट में हम जा रहे हैं, तो चलते हैं उस मार्केट में। नॉर्मल सिर्फ एक मार्केट से जाना सी ते एक मार्केट से जाना सी ते असि हुन माशाल्लाह एक फिर ले एक गए फिर लिए। अल्लाह खैर करे। अच्छा है कि मेरा इतना डर है इस बस ने मुझे रात देना है। कैसे टाइम हो गया है? 17 जना मैं तुम कह सी 1 घंटे च वापस आना है। नहीं 1 घंटा ही है मसा, 1 घंटा एक मार्केट च गया सी मैं, 2 मार्केट च आई हूं, ओए कसम से 2 घंटे। मौसम चेंज हो गया माशाल्लाह, शुक्र है जनाब। मेरे 4-5 बजे फुल अंधेरा, गर्मियां तो मैं तो कहना गर्मी ही रहे, फिर 24 घंटे गर्मियां रहे, 24 घंटे 24 महीने गर्मियां रहे, नहीं ते 12 दिन गर्मियां रहे। नहीं नहीं मेनू ना गर्मी तो सिर्फ एक मसला होता है कि है मेरा रंग जरा ना मजंडा मजंडा कलर हो जाता है। वो तो भी हाल है तेरा, वो तो टोटका टोटका फ्रिज खोलिया करो। हाँ ओहदे च पानी पिया हुंदा है, चावल पीना वा? नहीं नहीं पी पीना नहीं, मुंह तो छिड़कना है, छिड़कने वाला तुसी नहीं काले, तुसी सांवले हो। हाँ, गाना नहीं था काला रे सैया काला रे, काली जुबान की काली रातें। किस फिल्म है? गैंग ऑफ वसीम, बड़ी सुपर फिल्म, फेवरेट तेरी? ओहो हैजल कहता है, ओ कहता है, और थोड़ा वो जो डायलॉग कहता है, माता दादा का नहीं ठहरे थे, अदर बड़ा एक अच्छा डायलॉग है, कहता है बाप का दादा का माँ का नहीं, यहाँ तो जरी मरी नहीं सी होती। ये शुरू तो Take 2 एक्शन 1 Take 3 दादा का भाई का सबका पतला लेगा रे तेरा फैजल। फैजल अच्छा जी, हुण असीं जाना है इत्थे जिथे नहीं वो हुंदा जिथे वो लगा हुंदा अक्सर गाना, बेदर्दी बाल मा तुझको मेरा मन याद करता है। ਹੈਗੀ ਅਫਗਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਐ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਾਨ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸ਼ਰਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਫਗਾਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। मुझे जो इस मार्केट में लेने आई थी ना, मैं सिर्फ लेने आई थी जैसे कोई सब्जी कोई मिर्ची वगैरह ख़त्म हुई थी वो लेने आई थी। तो जब इस मार्केट में आई हूँ ना, तो मैं वो प्रेशर कुकर मेन आपको पता है मैं बता के आई कि मैं प्रेशर कुकर लेने जा रही हूँ, और वो मुझे रियाल से ही मिलना था, तो वो उस मार्केट में अभी मैंने जाना है। तो जब इस मार्केट में आए ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे मुझे यहाँ से नज़र आई, मुझे नहीं इनको नज़र आई, जो मुझे कहते हैं कि इधर से ले लेते, टाइम बचाते हैं, वक्त की कदर किया करो। ऐसे मुझे वो लेक्चर
झाड़ने लग गए। मैंने कहा अच्छा चलो देखते अगर अच्छा है तो इधर से ले लेते, मुझे कौन सा इतना शौक है और हाल में जाने का एक्स्ट्रा। तो यहाँ भी एक प्रेशर मिला मुझे, तो मैंने कहा चलो उतार के देख लेते हैं। कभी लिया नहीं है ऐसी मार्केट्स में, एशियन मार्केट से ऐसी कभी चीज़ें ली नहीं है, खाने पीने वाली लेते हैं। तो मुझे अच्छा लगा देख के, क्योंकि मैंने वो इंटरनेट पे भी देखा था तो काफ़ी महंगा था उधर ये वाला जो प्रेशर है प्रेशर कुकर, तो यहाँ मुझे अच्छा और सस्ता मिला। अच्छा जी अब हो गया अंधेरा, जो मैंने लेना था वो मैंने ले लिया है, तो अब हम घर जा रहे हैं और काफ़ी नहीं नहीं टाइम भी तो देखो ना 6:30 हो गए ने, 6:30 इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता ना, अज तो फिर भी चलो तो जो मैंने लिया है ना वो मैं आपको घर जाके अभी दिखाती हूँ। तो नॉर्मल मैंने सिर्फ प्रेशर कुकर लेना था, लेकिन जो मैं दूसरी चीज़ लेके आई ना वो भी मैं काफ़ी देर की ढूंढ रही थी, क्योंकि वेट कर रही थी मार्केट्स का कि खुले और मैं लूँ, तो मुझे वो भी बड़ा ज़रूरी चाहिए था, तो वो भी मैं अभी आपको घर जाके दिखाती हूँ। तो चले चलते हैं घर, फिर दोबारा मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी मैं पहुँच गई हूँ घर, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या ज़रूरी लेने गई थी, ये लेने गई थी मैं, ये देखें न्यू स्टाइल, अच्छा और सस्ता, वेरी सस्ता। मैं साथ आपको दिखाती हूँ ये मैं कहाँ से लेने गई थी और कहाँ से लेके आई हूँ। ये सारी जो बातें ना मेरे जो मियाँ जी है ना मुझे, मैं किसी और मार्केट से लेना चाहती थी लेकिन ये एक मार्केट मुझे लेके गया और वहाँ से सारा कुछ ला के और मुझे घर ले आए, कोई मार्केट नहीं फिरन देती। चले मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये 6 लीटर वाला है, 10 लीटर वाला है ना। मेरे पास जो पहला था वो था 6 लीटर वाला और ये मेरे 6 लीटर या 4 लीटर ही चाहिए था, लेकिन ये था कि उधर मिल नहीं रहा था, वो कह रहे थे कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते कोरोना की वजह से चीज़ें आ नहीं रही, तो मुझे ये था कि चलो मैं अब आई हूँ, बार बार तो निकला नहीं जाता। वाह सुपर अच्छी, ऐसे ठीक, ऐसे ऐसे। तो अब मैं जो आपको दिखाने लगी हूँ ये लेके आई हूँ मैं कंबल, क्योंकि मुझे ये चाहिए था, काफ़ी देर का मेरे पास थे, लेकिन कहते हैं ना कि कंबल एक ऐसी चीज़ है कि वो ना 2 साल 1 साल 1.5 साल के बाद ना वो दिल करता चेंज करने को, तो ये इतना अच्छा नहीं है, मजबूरी थी कि लेना ही लेना है मैंने, क्योंकि मार्केट्स वगैरह सारी बंद है, काफ़ी देर का मैं वेट कर रही थी। तो अब मैं ये मुझे मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, ठीक है लेकिन इतना भी नहीं अच्छा भी नहीं इतना बुरा भी नहीं, एवरेज है कि आप गुजारा कर सकते हैं, जैसे नई चीज़ का मज़ा ले सकते हैं कि नहीं है ठीक है। और इतना सस्ता पड़ा है और इसकी जो प्राइस है ना वो सब की, इसकी प्रेशर कुकर की और इसकी आज मेरे मियाँ ने ना उनके साथ थोड़ी सी वो पाकिस्तान में जैसे कोई चीज़ लेते हैं तो नहीं नहीं इतने की नहीं इतने की लेनी है, क्योंकि वो जो मार्केट है वो अफगानी भाई की थी तो वो वाकफ थे, तो वैसे इनको मज़ा आ रहा था कि मैं थोड़ी सी बहस करता हूँ, तो वो भी आगे से ऐसे ही मजाक में लगे हुए थे। बड़ा अच्छा, चलो सस्ता भी मिल गया और अच्छा भी मिल गया। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो मार्केट खाने पीने वाली थी, ये जो मैदा ख़त्म हुआ था ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए लेके आई हूँ कि मैंने नान बनाने होते हैं, पिज़्ज़ा बनाना होता है, मेरी बेटी ने कुकन वगैरह केक वगैरह बनाना तो काफ़ी यूज़ होता है, तो ये मैं लेके आई हूँ। तो अभी जो वो भी रेट मैं आपको बता रही थी ना, मेरे मियाँ सामने बैठे हैं उनको मैं कहती हूँ कि सारी बातें सारी जो भी उन्होंने रेट शेयर किए वो अभी आपके साथ शेयर करते हैं, तो उनसे पूछते हैं। चले हाँ जी बहुत अच्छा, मतलब अक्सर उसके पास भी जाता हूँ तो मैं यार मैनू पता है मसला की है, जब हम किसी मार्केट में जाते हैं ना रियाल में या किसी और दुकान में मार्केट में, तो वहाँ पे हम जाके बहस नहीं करते कि इतने की इतने की ना, लेकिन जब हम अपनी दुकानों पे आते हैं ना तो पता नहीं क्यों दिल करता है बहस करने, बार्गेनिंग करने को दिल करता है, नहीं नहीं भाई पाए नहीं दे। फिर ये भी होता है पाकिस्तान में हम करते थे कि अगर एक मार्केट में गए ना तो हमें चीज़ पसंद भी है तो हमारे से वो रेट नहीं बना तो हम बाहर निकल रहे हैं, तो दूसरी वो कहती थी नहीं नहीं होने बाजी आवाज देगा पिछू वे कहेगा ले लो
लेकिन कभी कभी वो देते थे आवाज, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं गौर करते थे और हम आगे चले जाते थे। इतना पछतावा होता था कि हाय ये इतनी अच्छी चीज छोड़ रहे हैं हम, तो ये हमारी आदत है। चले कैरी ऑन कैरी ऑन जट्टा। अच्छा वो 29 यूरो का सीट मैंने मिला, बाकी जेड़ा ना 26 यूरो का। ठीक है, और वो जो कुकर कुकर है वो मैं लिया सी, उन्होंने मुझे लगाया सी नॉर्मल कहंदे सी नॉन सेक्सी शोरो का, मतलब 69 यूरो 69 दिल कह रहे सी कि मैं गलती नाल 65 यूरो लिख छड़े ने, 65 लिख छड़े ने, इस नाल हुन मैं कट नहीं करना ना। सही, मैं कह चौधरी ए तेरी गलती है ना, मेरी नजर च ते 65 यूरो ओदी विचों तू कट कर, तो चाहे ने बारे ना मेनू 60 यूरो लेकिन ए वे कि टोटल मेरे बने सी 97 यूरो 97 यूरो 30 सेंट चलो मेरा मेरा आज के जो मेरी ना वीडियो का एंड मेरे जो मिया जी है ना वो करेंगे। हाँ जी आगे चले, ठीक है फिर मुझे दे इजाजत, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आऊंगी। अपना और अपने अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, और मैं आपको कहूंगा अपने बंदों का भी ख्याल रखा करें जैसे मैं रखती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आऊंगी। दो में याद रखे, खुश रहे, आबाद रहे, अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।